इस वीडियो में आप वे विभिन्न तरीके जानेंगे जिनसे बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। क्रिकेट में बल्लेबाज कई तरीकों से अपना विकेट गंवा सकते हैं। यहाँ आउट होने के कुछ सामान्य तरीके बताए गए हैं। यदि गेंदबाज के गेंद डालने पर वह बल्लेबाज के विकेट पर लगती है और गिल्लियाँ नीचे गिर जाती हैं, तब बल्लेबाज बोल्ड आउट होता है। यदि बल्लेबाज गेंद को हिट करता है और फील्डिंग टीम का खिलाड़ी जमीन को छूने से पहले ही उसे पकड़ लेता है, तब बल्लेबाज कैच आउट होता है। जब बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए अपनी क्रीज से बाहर निकलता है, तब स्टंप के पीछे खड़ा हुआ विकेट कीपर हाथ में गेंद से गिल्लियां नीचे गिराकर बल्लेबाज को स्टंप आउट कर सकता है। सुरक्षित रहने के लिए गेंद को खेले जाने के समय बल्लेबाज या उसके बल्ले का कुछ हिस्सा क्रीज के पीछे अवश्य रहना चाहिए। संयोगवश या जानबूझकर यदि बल्लेबाज के अपने शरीर या बल्ले से विकेट हिट होता है, तब वो हिट विकेट आउट माना जाता है। जब गेंदबाज एक सीधी गेंद डालता है जो विकेट पर लगने के लिए सही लाइन और लेंथ में होती है, लेकिन बल्लेबाज के पैर आगे आ जाते हैं, तब गेंदबाज लेग बिफोर विकेट या LBW की अपील कर सकता है। यदि अंपायर सहमत होता है कि गेंद स्टंप पर लग सकती थी, तब बल्लेबाज को आउट माना जाता है। जब दो बल्लेबाज रन बनाने के लिए स्टंप के बीच में दौड़ते हैं, तब यदि बल्लेबाज के क्रीज में पहुंचने से पहले फील्डर उस विकेट की गिल्लियां नीचे गिराने में सफल होता है, तब बल्लेबाज रन आउट हो जाता है। चोट, बीमारी या अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बल्लेबाज रिटायर आउट भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज विपक्षी टीम के कप्तान की सहमति से अपनी पारी दोबारा शुरू कर सकता है। खेल को बेहतर तरीके से समझने के लिए क्रिकेट खेलते रहें। अपने खेल का भरपूर आनंद लें।